तो दोस्तों फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे सुबराज ग्रुप में। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कौन है हमारे केकी म्यूजिकल बैंड के मेंबर्स आए हैं। हमारे सोनू भाई है, अक्कू भाई है और हमारा अतुल भाई है। तो स्पेशल अजीत सर को मिलने के लिए आए हैं क्योंकि आज इनका प्रोग्राम नहीं था। तो सोनू भाई, अजीत सर पहले कुछ बात करेंगे। सोनू भाई बहुत बहुत धन्यवाद सुबराज ग्रुप में, अक्कू भाई बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे अतुल भाई को भी हमारे सुबराज ग्रुप में बहुत बहुत हमारे सुबराज ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग बहुत दिन से मिलना चाहते थे लेकिन हमारे पास भी टाइम नहीं था, उनके पास भी टाइम नहीं था क्योंकि उसका भी बहुत सारा प्रोग्राम है और हमारे स्टार आर्टिस्ट में थे, हमारे समाज में, हमारे आदिवासी समाज में स्टार आर्टिस्ट में से जाने माने नाम हमारे सोनू भाई का नाम है और अक्कू भाई का भी नाम है। मैं यूट्यूब पे कभी कभी देखता रहता हूँ लेकिन केके का बार बार मैं अभी भी जिक्र किया कि केके किसी का रॉकी का और केके का मैं है ना, केके के बारे में मेरे आर्टिस्ट को पूछे ये पीछे खड़े हैं, मैंने कल भी बताया था कि केके का म्यूजिक बजाओ और ट्यूनिंग करो। मैं तारीफ सामने नहीं कर रहा हूँ, मेरे उन लोगों को मेरे आर्टिस्ट लोगों को पूछो कि उसके जैसा ट्यूनिंग करो आप लोग। तो आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरी है, अच्छे लोगों की, अच्छे आर्टिस्ट लोगों की और हमारे युवा है और उससे भी बेहतर ट्यूनिंग के साथ में, बेहतर साउंड के साथ में और क्लियरिटी के साथ में आप आगे बढ़ो। सुनो भाई क्या बोलना चाहिए अजीत सर के बारे में, कैसा लग रहा है? बहुत दिन से आने वाले थे पर हमारा भी प्रोग्राम चालू था तो खाना नहीं हुआ, तो आज हमारा प्रोग्राम नहीं था तो मैंने अतुल भाई को फ़ोन किया कि आज हम जाते हैं सर के पास। बहुत दिन से मिलना हमारी फ़ोन पे ही बातें होती थी पर आज आ गई हम मिलने, बहुत अच्छा लगा हमें मिलकर। थैंक यू अतुल भाई। इतने सोनू भाई जैसे बोल रहे थे कि आज के बाद हमारा भी कंटिन्यू प्रोग्राम है तो आज ही टाइम था, इसलिए हम आगे सोनू भाई के साथ मिलने अजीत सर। मैं तो पहली बार मिला हूँ, बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू अतुल भाई। तो फाइनली दोस्तों पहली बार आए हैं केके म्यूजिकल बैंड के मेंबर्स अजीत सर के पास, तो बहुत ही अच्छा लगा मिलकर और हमें बहुत ही खुशी हुई। और अभी दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं अजीत सर कुछ। अभी सबको और एक मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हेल्प के लिए वीडियो बनाने के लिए हम मना करते हैं, हम खुद भी, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि कमेंट बैड कमेंट की वजह से हम वीडियो नहीं बनाते थे। अभी 2-3 महीने से हम हेल्प के लिए कोई किसी का फ़ोन आता था तो हम वीडियो नहीं बनाते थे, हम बैड कमेंट, हमको बैड कमेंट्स के देख के हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ही बोला था। लेकिन ऐसी मजबूरी है कि हम जितना पैसा उन लोगों को जिसको ज़रूरत है 4 लाख की, मैं 4 लाख तो दे नहीं पाता, इतना सारा मेरे से जितना होता है इतना देता हूँ। और अगर हम वीडियो बनाते हैं तो दूसरे लोग पैसा डाल देते हैं और किसी की जान बच जाती है, किसी का घर बच जाता है या उसका वो हॉस्पिटल से सुधर के आ जाते हैं आपके माध्यम से और मिल जाता है। तो आज भी वैसा ही एक वाक्य बना है, अचानक ये भाई कौन सा गाँव सर, सिंहपुर गुजरात, सोनगढ़ तालुका, शायद सोनगढ़ तालुका लगता है, सिंहपुर में मेरे रिश्तेदार भी है। तो मेरे को सर का फोन आया, मुझे फ़ोन आया था कि ऐसा ऐसा मामला है सर तो हमको हेल्प चाहिए, तो कितना पैसा लगेगा थोड़ा हम, तो मैंने पूछ लिया अमाउंट ज़्यादा है तो मैंने सर को बताया कि मेरे से जितना होगा इतना मैं करता हूँ और अमाउंट ज़्यादा है इसलिए मेरे को और आपके साथ में रूबरू होना पड़ा, मजबूरी से मैं वीडियो बनाना पड़ा। तो 2 पैसा में है एक्सीडेंट केस है तो उसके लिए हम सबको आगे आना है, एक बार और मदद करो, मेरा रिक्वेस्ट है सबको। और मेरे तरफ से कुछ पेमेंट मैं चेक दे रहा हूँ तो वैसे ही आप भी, आपसे जितना हो सके तो कर सकते हैं और वो हेल्प में आज मेरे सोनू भाई, मेरे दोस्त, मेरे फेवरेट आर्टिस्ट के हाथ से हम, मैं मुदत निधि के हिसाब से हम ये भाई को दे रहे हैं तो वैसा ही आप भी हेल्प करो। और नंबर भाई, नंबर की बात करो, हाँ नंबर आप दे देना मोबाइल नंबर। तो दोस्तों आप यहाँ पर नंबर देख सकते हो, यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से मदद कर सकते हो। और मेरी बार बार रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी जितना हो सके इतना हेल्प करो सब लोग। मेरे आर्टिस्ट लोग भी 100-100 रुपये भी डालते हैं, मैं देता हूँ, ये लोग भी डालते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं डालते, मैं देता हूँ, मेरे आर्टिस्ट भी दे देते हैं। तो प्लीज़ सभी बैंड वाले और सभी मेरे आदिवासी बंधु और अदर कास्ट के लोग भी हैं हेल्प करें, ऐसा मेरा निवेदन है। अशोक भाई ने भी दिया, अशोक भाई ने भी हेल्प कर दिया है और उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई हमारे सुबराज ग्रुप की तरफ से। तो मेरी एक बात पे भी उन्होंने भी हेल्प किया है
और आगे भी मेरे तरफ से उसको ऐसे ही निवेदन है कि ऐसा हेल्प करते रहे। और मैं आपको पूछना चाहूँगा सोनू भाई, वो गुरु भाई कहाँ पर है? गुरु भाई की थोड़ी तबीयत डाउन हो गई है, वो लगातार प्रोग्राम की वजह से तो घर पे हो। वैसे दोस्तों बताना चाहूँगा आपको, KK म्यूजिकल बैंड का कुछ ज़्यादा ही धमाका चल रहा है इस साल तो, सही है? आपकी मेहरबानी। तो गाइस इनका प्रोग्राम ही पहली बार आ रही हूँ, कब इस तरह वैसे हमने वीडियो डाला ही है, सही है? वो गाँव का नाम है लेकिन दोस्तों वैसे तो हमारे कई विस्तार में आ रहे थे, पहले ही प्रोग्राम हमारा रहे, सही है? तो कई विस्तार में पहली बार आ रही है पाथरडगा में, आइए म्यूजिक देखते हैं और हमारे की म्यूजिक बहुत ही मजा आएगा, सही है? और सुब्रत बेंच कैसे लगा आपको, तीन तीन चार चार बेंच खड़े हैं, बहुत बढ़िया है सब सिस्टम। ओके मिलते हैं, और इनका कुछ लुक तो मुझे भयंकर लग रहा है, ये टैटू भी बहुत ही खतरनाक है। ओके तो कुछ बोलना चाहोगे? बस कल का प्रोग्राम है हमारा, कौन सा तालुक कौन सा ये कल का प्रोग्राम है? कल का प्रोग्राम है वो तो हमें नहीं मालूम, ग्यारह साइड में, हाँ हाँ वो उन्हें साइड में मुझे ऐसा लग रहा है। तो वहाँ आइए KK को देखना है, तो हमें भी पब्लिक देख के बजाने में मजा आता है, तो आओ दोस्तों। और गाइस 5 तारीख को आ रही है हमारे विस्तार में कटा सॉन्ग, हाँ जो भी हमारे आजू बाजू विस्तार के वो लोग 5 तारीख को वेट करना, नहीं तो आप 30 तारीख को कहाँ पर जाना? पाथरडगा। ओके थैंक यू, मिलते हैं, और हमने भी बहुत दिनों से देखी नहीं, KK म्यूजिकल बैंड जरूर जाएंगे। ओके थैंक यू, ओके।